अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में आज यानी बुधवार से गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव के चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में लू का कहर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बिना वजह आज दोपहर में घर से ना निकलने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति गंभीर हो गई है। फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही तेज धूप निकलेगी और गर्म हवाएं चलेंगी। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 16 से 40% रहा। वहीं दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और हीट वेव चलेगी। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है और 165 है। वहीं नोएडा के AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है और 248 है, जबकि गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में AQI देखने को मिला है और 234 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।